हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हम बिरयानी बना रहे हैं, ये इफ्तारी के लिए। ठीक है, ये देखें, ये बिरयानी ऐसी बन रही है। ये प्याज फ्राई हो रही है और इधर हेलो ये सारे मसाले हेलो, ये साइड पे आना चाचा, इधर आओ चाचा, तू इधर आ जाना। ये देखो, ये हमारे अंकल हैं। ये देखो, ये बना रहे हैं बिरयानी। हाँ, ये इफ्तारी के लिए हम बना रहे हैं सामान। ये देखें, ये टमाटर वगैरह कटे हुए हैं, ये टमाटर, दही, पुदीना, फिर उसके बाद ये बिरयानी मसाला, फिर उसके बाद ये देखें, ये नींबू, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, और ये हमारा, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये हमारा किचन भी है। ये देखें, ये फ्राई हो रही है, प्याज फ्राई हो रही है। इसके बाद अब ये मसाला वगैरह डलेगा। अभी इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसके बाद देखो क्या डालते हैं अभी। हाँ, अब डालेंगे टमाटर। टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद टमाटर डाल दिए, फिर आप इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन के बाद अब हमने दही खोल दी है, फिर उसके बाद अब ये दही डालेंगे, मेरा ख्याल है। ठीक है, दही के तीन डब्बे। ये बिरयानी मसाला डाला है, टमाटर प्याज को भून के और उसमें अदरक का पेस्ट डाल के भून के, और उसके बाद बिरयानी मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा अब इसके अंदर पानी भी डालना है। अच्छा, बिरयानी मसाला के बाद ये मुर्गी डाल देनी है। बड़ा जोर लगता है इसको घुमाने में ना। और हालांकि हमारे चाचा का रोजा भी है, रोजे में इतना जोर लगाना आसान काम नहीं है। अब ये देखें, इसके बाद दही डाल रही है। दही के तीन डब्बे डालने हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर हिलाना है। लग रहा यार, इसकी थोड़ी सी आँच हल्की कर दो। अभी ये दम पे लगा दो जरा। हाँ, आँच हल्की कर, चूल्हा हल्का कर दो, लग रहा है।
ये इस तरीके से चावल उबाल लेने हैं। उबालने के बाद ये देखो ये कलर, ये अब ये चावल चावल उबाल के रखती हैं। ये जर्दे का रंग डाल दिया है। अब ये इस पतीले के अंदर डालेंगे चावल, ठीक है।